नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर भारत की सत्ता पर काबिज हुए, तब से लेकर आज तक भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, परेशानियां जरूर आईं, लेकिन जनता का विश्वास, जनता का मत सरकार के साथ साफ दिखाई दिया। सरकार के फैसले के साथ जनता डटकर खड़ी नजर आई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा था। उसी का नतीजा है कि भारत दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। पीएम मोदी ने पर्सनल तौर पर देश से जुड़ी हर योजना में हस्तक्षेप किया, सभी प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स लिए, सभी योजनाओं के सक्सेस रेट पर खुद नजर बनाए रखी। खासकर जिस तबके तक सरकारी योजनाओं का पहुंच पाना मुश्किल था, उस तबके तक अपने हाथ ज्यादा पहुंचाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये रहा कि ओडिशा का एक पिछड़ा इलाका आज अपने क्षेत्र में रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार पकड़ते हुए देख रहा है, जिसे देखकर पीएम मोदी खुश नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के चर्चित खुर्द बलांगीर रेलवे ट्रैक की। साल 1995 से ही 289 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन धरातल पर आना चाह रही थी, बढ़ना चाह रही थी, लेकिन किसी का भी इस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं गया। गरीबी और पिछड़े इलाकों में से एक ये इलाका एक रोशनी की आस में था। प्रशासनिक ढील की वजह से कोई भी सरकार इस तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस पर पड़ी और वो इस लटके पड़े रेलवे प्रोजेक्ट को देखकर बेहद ही नाराज हुए, क्योंकि इसकी स्टेटस रिपोर्ट में पिछले इतने सालों में कुछ सुधार था ही नहीं। पीएम मोदी ने उसी वक्त पीएमओ के अधिकारियों से कहा था कि इलाका सबसे गरीब और जरूरतमंदों का घर है, जो बाकी इलाकों से पिछड़े हैं और सरकारी मदद की उन्हें बेहद जरूरत है। हम लोग इस कोशिश में नाकाम साबित हुए हैं। पीएम ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। अगर साल 2000 तक काम खत्म हो गया होता तो प्रोजेक्ट की कीमत अभी के मुकाबले काफी कम लगती और पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इसका फायदा भी मिलता। उसके बाद अब जब पीएम मोदी ने साल 2020 में इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखी तो वहां हो रहे काम से पीएम मोदी काफी संतुष्ट नजर आए। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे ट्रैक का काम सही रफ्तार से चल रहा है और तय वक्त तक काम जरूर खत्म हो जाएगा। पीएमओ अधिकारियों के मुताबिक खुर्दा बलांगीर रेलवे लाइन की स्टेटस रिपोर्ट ये साबित करती है कि प्रगति प्लेटफॉर्म पर अन्य योजनाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। रेल की पटरी के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तेजी से जारी है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी ने एक लटके पड़े प्रोजेक्ट को नई उड़ान दे दी। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए रोशनी की एक किरण बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक पिछड़े इलाके के जीर्णोद्धार के लिए हस्तक्षेप किया और वो मेहनत आज रंग लाई। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए साल 2013-14 में 59 करोड़, साल 2014-15 में 50 करोड़, साल 2015-16 में 95 करोड़, साल 2016-17 में 240 करोड़, साल 2017-18 में 700 करोड़, साल 2018-19 में 625 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खुर्दा रोड से बलांगीर तक रेलवे परियोजना को अंतिम रूप देने से इन दोनों इलाकों की तो दूरियां कम होंगी ही, साथ ही दिल्ली, मुंबई और हावड़ा सहित ये चेन्नई से जुड़ जाएगा। इससे दूरी 140 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे लोगों का वक्त और पैसा दोनों बचेगा। इसका फायदा सिर्फ कन्वेंस के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हर लिहाज से होगा। यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे कुछ नहीं तो लोगों के पास रोजगार के भी बेहतर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। भारतीय रेलवे ने हमेशा से ही भारत की अर्थव्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान देने का काम किया है, और जब इस दिशा में पीएम मोदी ने भी हस्तक्षेप कर दिया तो फिर रेलवे ने अपनी रफ्तार को दोगुना कर दिया।